हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सक्षम नेशनल कंपटीशन 2021, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। और ये तीन लेवल, तीन टॉपिक्स पर होगा। एसे राइटिंग, पेंटिंग एंड क्विज कंपटीशन रहेगा। और इसके कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो आप वीडियो को एंड तक देखें, जिसमें आपको पता चलेगा कौन कौन क्लासेस के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनको क्या क्या अवार्ड प्राइजेस उनको मिलेंगे। तो चलिए हम आगे इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी है। आपको इसमें आपके स्कूल्स के द्वारा रजिस्टर करना पड़ेगा। इसकी pcracompetition.org की जो वेबसाइट है, जो लास्ट डेट रहेगी वो 10th मार्च 2021 रहेगी। और इसमें उससे रजिस्टर को स्कूल को रजिस्टर करने के बाद आपको जो एसे पेंटिंग और क्विज है उसको 31 मार्च 2021 तक उनको सबमिट करना पड़ेगा। और ये भी है, जितने स्कूल में जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनमें से दो बेस्ट विनर रहेंगे, चाहे वो एसे राइटिंग हो या चाहे वो पेंटिंग हो। तो उसको यहाँ पर 10 अप्रैल बोल रखा है, लेकिन नए सर्कुलर में यहाँ पर 15 अप्रैल इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। आगे हम और देखते हैं इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है और इसका जो टॉपिक रहेगा वो भी देखते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है, सक्षम नेशनल क्विज कंपटीशन, एसे राइटिंग कंपटीशन, पेंटिंग क्विज कंपटीशन। यहाँ पर कैश प्राइजेज है जो, और मैंने बताया था, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। आगे देखते हैं यहाँ पर कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। उससे पहले यहाँ पर प्राइजेज बताए गए हैं। आप जब स्कूल में, जब आपको, आप दो बेस्ट स्टूडेंट में आ जाएंगे अपने स्कूल में, तो आपको स्टेट लेवल पर खेलने को मिलेगा। और अगर आप स्टेट लेवल पर जीतते हैं तो आपको कैश प्राइज मिलेगा 2000। और इसके लिए 1800 स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए जाएंगे। और उनसे आगे फिर नेशनल लेवल पर स्टेट्स के बीच में या यूटीज़ के बीच में वो कंपटीशन होगा, जहाँ पर प्राइजेस 20 रहेंगे और पर स्टूडेंट को 10,000 कैश प्राइज मिलेगा। तो ये काफ़ी एक रिवॉर्डिंग प्राइज़ है, काफ़ी अच्छा प्राइज़ है और काफ़ी आपको मोटिवेटिंग भी है। पेंटिंग में भी ऐसा ही है और यहाँ पर क्विज कंपटीशन में भी थोड़ा सा अलग है। स्टेट में आपको 720 जो बच्चों को प्राइज़ मिलेगा 2000 ईच, और नेशनल में 20 ही रहेगा। 10 teams of 2 students ईच टू बी अवार्डेड। इसमें आपको जो क्विज कंपटीशन होगा इसमें आपको टीम्स में खेलना पड़ेगा, टीम्स में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बताया गया है एलिजिबिलिटी, कौन एलिजिबल है इसमें। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th, 8th, 9th और 10th के स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं। और ये एसे राइटिंग है, एसे राइटिंग है जो कि आप इन लैंग्वेजेस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ और जो इसमें दी गई हैं। ये ध्यान रहे, सिर्फ आप एक ही लैंग्वेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये नहीं कि आप हिंदी में भी पार्टिसिपेट कर देंगे और आप इंग्लिश में भी पार्टिसिपेट करेंगे, ये नहीं होगा। और जो आप ऐसे राइटिंग लिखेंगे वो आपके स्कूल वाले या आप खुद, जब आप रजिस्टर हो जाएंगे, आपके स्कूल वाले जो pcracompetition.org वेबसाइट है उसमें जब आपको रजिस्टर कर देंगे, तब उसमें आपका जो ऐसे राइटिंग होगा उसकी स्कैन या फोटो क्लिक कर आपको अपलोड करना होगा, या स्कूल में आपको हार्ड कॉपी जमा करानी होगी ताकि स्कूल में जो स्टाफ है वो आपके एसेज को सबमिट कर सके। और एसे का जो 700 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टॉपिक क्या रहेगा? 1 step towards green and clean energy, एक कदम हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा की ओर। डेट्स यहाँ पर दोबारा बताई गई हैं और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं। इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस में सबसे पढ़ने की बात है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म होता है साहित्यिक चोरी, कि आप ये नहीं कहीं से नेट से उठा के इस टॉपिक के आप ऊपर आप ये ऐसे लिख देंगे, या कहीं से कोई पेंटिंग आप कोई देख के उसकी प्लेजरिज्म कर लेंगे। आप चोरी नहीं कर सकते हैं, ये इसमें सख्त मना किया गया है। आगे इसमें स्कूल क्विज कॉम्पिटिशन इंस्ट्रक्शंस, जिसमें पेंटिंग के बारे में बताया गया है और क्विज के बारे में यहाँ पर बताया गया, तो ये भी आप इसमें पढ़ सकते हो। और मैं अब आपको लेकर चलता हूँ जो दूसरी हमारी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो pcracompetition.org की मैंने वेबसाइट को ओपन किया, यहाँ पर लिख पे रखा सक्षम नेशनल कंपटीशन 2021 लास्ट डेट एक्सटेंडेड, यहाँ पर चीज़ें लिख रखी हैं। तो मैंने इसीलिए ये जो फर्स्ट पेज है यही दिखाया कि कहीं आप दूसरी वेबसाइट पर ना चले जाएं। यहाँ पर आप खुद अपलोड कर सकते हैं या आपके स्कूल के स्टाफ होगा वो अपलोड करेगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो
से आप अलविदा ले रहा हूँ आप सब से, और अच्छे तरह से आप इस कंपटीशन में भाग लें, जीतें और अपने स्कूल का, अपने पेरेंट्स का नाम पूरे गौरव के साथ, पूरे उनके साथ बढ़ाएं। तो धन्यवाद, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स, ये शेयर विद फ्रेंड्स जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।